बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। तुर्कों का मकसद अब आजाद रियासत का कयाम है, जो हर सूरत पूरा होगा। एक किलो गोश्त के दाम अब से 2 सलजूकी दिरहम के बराबर मुकर्रर कर दिए गए हैं। सबको ये खबर दे दी जाए। अमीर बहाउद्दीन मुकद्दस संदूक को मंगोल कमांडर कारा वीरों के हवाले करने वाला है। मेरी अमानत मेरे हवाले करो बहाउद्दीन। जो रवाना होंगे हम, ये संदूक जल्द से जल्द हलाकू खान तक पहुंचाना है। अपना ख्याल रखिएगा कमांडर काराबोरो। बेटी, वो हार कहाँ है जो बाजी ने तुम्हें दिया था? कुछ पूछा है मैंने तुमसे? नया वो हार कहाँ है? बाबा, वो हार गुम हो गया। लगता है जब वो लोग हमें लेकर जा रहे थे तो वो हार वहीं गिर गया। ऐसे कैसे गुम हो गया वो? खुद को संभालिए बाबा, आराम से। नया, तुमने ये क्या किया? बाबा, उसे ढूंढ ले जाऊं मैं? नहीं, कबीले से बाहर जाने में खतरा है। बाबा, आप खुद को संभालिए, भूल जाइए उस हार को। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपका बुखार भी बढ़ता जा रहा है। आइए, आराम कीजिए आप। बेटी, दवा पिला दो मुझे। जी ठीक है बाबा, आराम से लेट जाइए। ये ले बाबा। Yeah!
अर्थरोल सरदार। मार्गिन, सिपाहियों, मार्गिन आज से हमारे साथ रहेगा और वक्त आने पर यह हमारी मदद भी करेगा। हम वक्त जाया नहीं करेंगे ताकि मंगोलों को खो ना दें। ये कहां जा रहे हैं मार्गिन? कारागोया जा रहे हैं अर्थरोल सरदार। अंधेरा होने वाला है, ये रास्ते में पड़ाव डालेंगे। ठीक है, तो फिर हम लोग भी इनके करीब ही रुकेंगे। रवाना होंगे, सफर के दौरान अतराफ पर नजर रखना। चलो। क्या हुआ नया, उदास क्यों हो? खैरियत तो है? मेरे बाबा बीमार हैं, उनके लिए परेशान हूँ। मेरे बाबा ने मुझे एक हार दिया था और वो मुझसे कहीं खो गया है, इसलिए वो नाराज है। तुम्हारे बाबा एक हार के लिए इतना क्यों नाराज है? मुझे नहीं मालूम, हमेशा संभालने का कहते थे। जब वो लोग हमें लेकर जा रहे थे तो वो हार मुझसे कहीं गिर गया। मैंने कहा मैं तलाश करती हूँ, लेकिन मना कर दिया। कहते हैं बाहर बहुत खतरा है। बाबा ठीक कहते हैं तुम्हारे, यहाँ से बाहर जाने में खतरा है तुम्हारे लिए। मैंने यहाँ का पूरा इलाका देखा हुआ है, मैं ढूंढ कर लाऊंगा तुम्हारा हार। क्या तुम सच कह रहे हो, ढूंढ लोगे? हाँ बिल्कुल। लेकिन जब मेरे बाबा को पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएंगे। फिक्र मत करो तुम, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। नेहा, कहां रह गया ये देवक्लेश? अब तक तो उसे पहुंच जाना चाहिए था। हमारे सिपाही उसे तलाश कर रहे हैं जनाब, वो जल्द ही आपके सामने होगा। बातें बंद करो लेइस और जाकर उसे तलाश करो। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि वो हमारे लिए कितना आम है। ढूंढ कर लाओ उसे। मैं खुद जाके उसे तलाश करता हूं। या देवक्लेश को तलाश करो या फिर बड़ी मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ। तीसरा कोई रास्ता नहीं। तीसरा रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगा जमींदार यानिस। मेरी प्यारी बेटी इरन, कैसी हो तुम? तुम्हारा ख्याल तो रखते हैं ना यहाँ बेटी? जी बहुत रखते हैं, बहुत रखते हैं। लेकिन लेकिन क्या, कोई परेशानी है तुम्हें? नहीं नहीं बाबा, बस हर वक्त किले में रह के मैं बेजार हो गई हूँ। ऐसा लगता है कैदी हूं मैं। समझ गया मैं बेटी, समझ गया। शहर के लिए जाना चाहती हो ना तुम? मेरा घुड़सवारी करने को दिल चाह रहा है बाबा। आपने वादा किया था मुझसे, क्या मैं कल शहर के लिए जा सकती हूँ? तुम्हारी ख्वाहिश मेरे लिए सबसे बढ़कर है बेटी, लेकिन देखो
ज्यादा दूर मत जाना बेटी, ठीक है? जी ठीक है बाबा, ठीक है, आप बेफिक्र हो जाइए। कारोबार कर लिया, ये जाने बगैर कि वो हलाल कमा रहे हैं या हराम, कैसे नहीं जानते थे? बाबा मैं हरगिज़ बाबा मत कहना मुझे। इतना परेशान क्यों हो रहे हो कुंदुस? ऐसा बर्ताव करना बंद करो, औजार टूट जाएंगे भाई। मेरे भाई, ऐसा लगता है कि मुझे मेरे बाबा कभी माफ नहीं कर पाएंगे। अब वो चाहते हैं कि मैं खुद अपनी गलतियों का हर जाना भरूं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम अपनी गलती को समझो और सबक हासिल करो उससे। इस तरह बेजार होने से कुछ नहीं होगा। गलती एक हुई है मुझसे, मगर पछतावे हजार हैं। पहले भी कई गलतियां हुई मुझसे, बाबा ने हर बार माफ कर दिया, लेकिन उन्होंने पहली बार मारा, बोसा भी नहीं लेने दिया। इसी बात से गमजदा हूं मैं। ये सब छोड़ो, अब कल का सोचो जरा। तुम्हें इस दिन का शिद्दत से इंतजार था। इरन से अकेले में बात करने का पहला मौका मिलने वाला है। यकीनन ये मेरे लिए खुशी की बात है, लेकिन जो गलती मुझसे हुई है उसके बाद मैं नहीं समझता कि मुझे उसके बारे में सोचने का हक है। ऐसा हरगिज ना सोचो गुंदुस, तुम भी एक इंसान हो भाई, और गलती हर इंसान से होती है। हाँ, बस गलती को दोहराना अच्छी बात नहीं। तुम देखना कि तुम्हारे बाबा जल्दी ये सब कुछ फरामोश करके तुम्हारी गलती माफ कर देंगे। अल्लाह करे तुम्हारी बात दुरुस्त निकले। क्या मैं अंदर आ सकता हूं अख्तिमुल उस्ताद? हाँ हाँ, आ जाओ उस्मान, आ जाओ आ जाओ। शाबाश, पत्थर ले आए सब? इसके अतराफ में रख दो इन्हें। अब तुम सब पूरी तवज्जो के साथ सुनना मेरी बात, ताकि तुम सब अच्छी तरह समझ सको। बैठ जाओ। ये पत्थर है, और ये फौलाद है, और ये दहकती हुई आग है। ये सब चीजें अल्लाह की नेमतें हैं। क्या मतलब है इसका? अख्तिमुर उस्ताद, कैसे? ये आग जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो पत्थर को भी जला देती है। ये सख्त तरीन पत्थर भी इसके सामने कुछ नहीं। ये आग अपनी तपिश से फौलाद को भी पिघला देती है। इस फौलाद पर जरबें लगाकर इसे तलवार में ढाला जाता है और किस्मत बदली जाती है।
अख्तिमुर उस्ताद, फौलाद को तलवार में ढालना तो समझ में आ गया, लेकिन इससे हमारी किस्मत का क्या ताल्लुक है? जरा सब्र से काम लो मेरे प्यारे उस्मान, सब बताऊंगा, अभी तो बात शुरू हुई है। मैं तो कुछ नया देखने आया था, लेकिन यहाँ भी तलवार दिख रही है। या अल्लाह, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? कुदरत की बनाई हुई हर चीज की एक अलग फितरत है, अलग मिजाज है, हमें उसे समझने की जरूरत है। अब मैं उस सवाल का जवाब देता हूं जो उस्मान ने किया। आज से कई सौ बल्कि कई हजार साल पहले तुलुए आफ्ताब की सरजमीन से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक हमारी हुक्मरानी थी। हमारी न खत्म होने वाली जमीनों पर हमारे घोड़े दौड़ा करते थे, पूरी दुनिया में हमारा परचम सरबुलंद था और हमारे कवानीन नाफिज थे। जालिम हमारी तलवारों के सामने घुटने टेक देते थे। तुर्कों की पूरी दुनिया में हुकूमत देखकर हमारे दुश्मन हमसे हसद करते और वो दुश्मन तुर्कों को शिकस्त देने के तरीके ढूंढते। दुश्मनों ने हमारे अजदाद के खिलाफ एक महाज बनाया और जंग शुरू की। दुश्मन का कहना था कि तुर्कों को सिर्फ धोखे से ही हराया जा सकता है, और उन्होंने यही किया। तुर्कों को धोखेबाजी के जरिए उन्होंने अपने जाल में फंसा लिया। एक कहावत है कि दुश्मन को कभी गाफिल न समझना और उसे कभी कमजोर न समझना। शैतान ने हमारे दिलों में घमंड डाल दिया और हम ये भूल गए कि दुश्मन घात लगाए बैठा है और मौके का मुंतजर है। गुरूर ने हमारी आंखों पर पर्दा डाल दिया और हमने अपनी फतह को दायमी समझ लिया। ये भूल गए कि फतह सिर्फ अल्लाह की तरफ से है, हमारा कोई कमाल नहीं। हम दुश्मन से लड़ने के बजाय आपस में लड़ने लगे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हलाकत, कयामत, मुसीबतें। उन्होंने हमारे बच्चों को मार डाला, उन्होंने हमारी सारी जमीनें और सारे कबीले तहोबाला कर दिए। खवातीन को कैद कर लिया उन्होंने, बहादुर सिपाहियों को कत्ल कर डाला, दरिया और नहरें हमारे खून से सुर्ख हो गईं। और हमारा सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया। क्या वो लोग जंग हार गए थे अख्तिमुर उस्ताद? उनमें से सिर्फ चार अफराद जिंदा बच सके, दो खवातीन और दो सिपाही। उनमें से एक सिपाही सरदार का बेटा था, उसका नाम काई खान था। लेकिन काई खान अपने बाप जैसा नहीं था, वो बहुत सुलझा हुआ और समझदार था। उन चारों ने चलना शुरू कर दिया, दिन और रात पहाड़ों और चट्टानों पर मुसलसल चलते रहे। आखिरकार वो एक वादी में पहुंचे, और जानते हो बच्चों, वो वादी चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में घिरी हुई थी, और उस वादी के ऊपर बहुत सारे उकाब उड़ रहे थे। माशाल्लाह। बड़े बड़े सींगों वाले हिरन उन पहाड़ों पर बसते थे। उस वादी के पास साफ शफाफ पानी का एक दरिया बह रहा था। काई खान ने कहा कि हम यहीं सुकूनत इख्तियार करेंगे और हम यहीं अपने खैमे नस्ब करेंगे और उन्हें बसाएंगे, ये जगह हमारे लिए बेहतरीन है।
और यही किया उन्होंने। वक्त गुजरने के साथ उनकी नस्ल में इजाफा हुआ और औलादों की औलादें हुईं। एक तवील अरसे तक काई खान की नस्ल वहां हुकूमत करती रही, यहां तक के वहां रहने की जगह कम पड़ने लगी, उनकी परेशानियां बढ़ गईं। उस वक्त वहां का जो सरदार था वो काई खान की नस्ल से था। वो एक मजहबी आदमी था, ईमानदार था और रिवायात का पासदार था। उसने कहा कि हमें अब मजीद जगह की जरूरत है। हमने अपने अजदाद से सुना है कि हमारी असल जमीन पहाड़ों की दूसरी जानिब है, हमारे अजदाद वहीं रहा करते थे। दुश्मन ने हमें धोखे से शिकस्त दी थी, हमें अब इस जगह को छोड़कर यहां से निकलना होगा। बहुत अच्छा सोचा उसने। वक्त आ चुका है, अब हम दोबारा अपनी जमीनों पर जाएंगे, दुश्मन से इंतकाम लेंगे और दोबारा दुनिया पर अपनी हुकूमत कायम करेंगे। उसने सिपाहियों के चार दस्ते चार मुख्तलिफ समतों में भेजे। बदकिस्मती से उन्हें वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। कुछ अरसे बाद उन्हें मालूम हुआ कि उस पहाड़ के अंदर एक बहुत बड़ी लोहे की कान मौजूद है। सरदार ने कहा कि जिस जमीन पर उनके आबाओ अजदाद रहा करते थे उसका रास्ता इस लोहे की कान की दूसरी तरफ है और उसके लिए हम ऐसी दहकती हुई आग रोशन करेंगे जिसकी तपिश से ये लोहे का पहाड़ पिघल जाएगा। और इस काम को अंजाम देने के लिए उसने दो जगह 70-70 खंदकें खुदवाई। पहली 70 खंदकों में लकड़ियां भरवाई उसने और दूसरी 70 खंदकों में कोयला भरवा दिया। उन्होंने आग को रोशन करना शुरू किया, आग भड़कती चली गई और बड़ी होती गई। और उसकी तपिश में मजीद इजाफा होता चला गया। वाह क्या बात है। तुर्कों ने सब्र किया और वो उस पहाड़ के पिघलने का इंतजार करते रहे। जब तक वो पहाड़ पिघल नहीं गया उन्होंने पलक तक नहीं झपकाई। बहुत दिन के बाद आखिर वो आग बुझ गई और उन सबको बाहर जाने का रास्ता मिल गया। उन्होंने अपनी मेहनत का सिला पा लिया। तो क्या वो अपनी सरजमीन पहुंच गए थे फिर? बिल्कुल पहुंच गए। वहां से निकलने के बाद उन्होंने अपने दुश्मनों से इंतकाम लिया और एक बार फिर अपनी आबाई जमीन पर हुकूमत कायम की। इस तरह वो पूरी दुनिया में दोबारा फैलते चले गए। तो बच्चों मुझे बताओ कि इस कहानी से तुम लोगों को क्या सबक मिला? इस कहानी में क्या नसीहत पोशीदा है? उमरुल लार को आखिर उन लोगों ने सोत क्यों भेजा भाई? इसलिए कि महसूल जमा करने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले और सोत में ही रिहाइश इख्तियार करे। यह मामला सिर्फ महसूल तक महदूद नहीं है भाई, यकीनन इसकी आड़ में उनके और भी जाल पोशीदा हैं। उमरुल लार को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करके हमें अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। और फिर कब्जा करके हमारी जमीनों पर हमारा नामो निशान मिटाना चाहते हैं। लेकिन क्यों भाई, किस लिए? उन्हें खौफ है कि हम सरहदी इलाकों में मजबूत ना हो जाएं तुर्कुत। वो हमें वहां नहीं देखना चाहते। उमरु उलार को वहां भेजकर हमें तबाह करना पहली चाल है उनकी।
वो अनातोलिया पर कब्जा चाहते हैं जो हमारी आखिरी उम्मीद है। बहुत जल्द इस महाज पर उनसे सामना होगा। इस आग में या तो हम खाक हो जाएंगे जलकर, या फिर तारीख रकम कर जाएंगे। हां तो बच्चों, क्या नसीहत मिलती है हमें इस कहानी से? मुश्किल का सामना हिम्मत से करें। जल्दबाजी ना करो उस्मान, फिर गौर करो। हार नहीं माननी चाहिए हमें। नहीं आइवर्स, ये नहीं। दोबारा सोचो। साहूजी, अक्तिमुर उस्ताद, इस कहानी से सबक मिलता है कि हमेशा अपने रहनुमा की ताबेदारी करनी चाहिए। मतलब ये कि अगर हमारा रहनुमा कमजोर हुआ तो उसके साथ अवाम भी कमजोर होगी, लेकिन रहनुमा अगर मजबूत, ईमानदार और सब्र करने वाला हुआ तो लोग भी इतने मजबूत हो जाएंगे कि पहाड़ को भी रेजा रेजा कर देंगे वो। वाह माशाल्लाह। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें एक और सबक भी मिलता है। हर इंसान को चाहिए कि अच्छे ख्वाब देखे। ख्वाब ताकतवर होंगे तो इंसान भी मजबूत होगा। हमारे अजदाद की दुनिया पर हुकूमत करने का राज यही था, क्योंकि उन्होंने इसका ख्वाब देखा था। लोहे को पिघलाकर उन्होंने तलवार बनाई। खुद को मजबूत किया और दुश्मनों को पसपा कर दिया। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें भी इसी तरह का सब्र और इस्तकामत अता फरमाए। आमीन, आमीन। अल्लाह हमें बुरे ख्वाब देखने से हमेशा महफूज रखे। आमीन। अर्तुरुल भाई, हमने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है। दो लोग और पहुंचे हैं वहां, वो दिखने में मंगोल नहीं लगते। मुमकिन है वो जासूस हो अर्तुरुल सरदार। हो सकता है संदूक हलाकू खान तक पहुंचाना उनके सुपुर्द हो। वो लोग बहुत मोहतात होंगे, सुराग लगाना आसान नहीं होगा। इससे पहले कि वो यहां से निकल जाए, हमें हमला कर देना चाहिए। आप क्या कहते हैं इस बारे में? हम आज की रात इंतजार करेंगे। हालात साजगार रहे तो तुलुए आफ्ताब से पहले उन पर हमला कर देंगे। उन जासूसों तक पहुंचने से पहले वो संदूक हमें हासिल करना है। भरपूर हमला करेंगे उन पर, और हमारा यह हमला चारों अतराफ से होगा। गलती की गुंजाइश नहीं है। जो आपका हुक्म भाई। क्या सब कुछ ठीक है मैगस? जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप फिक्र न करें, सारी तफसीलात किताब में लिखी हुई हैं। कुछ भी नहीं भूले, सारी रसीदें और सौदों की तफसील तहरीर करती हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। इल्बिल्गी खातून, काई कबीले की तमाम तिजारती तफसीलात इस किताब में दर्ज हैं। हमारे पास मौजूद जानवरों की तादाद, तमाम फसलों, तिजारती सामान और मसनूआत का इंदराज है इसमें। बाजार की तफसीलात इसमें, देख लीजिए आप, सब कुछ मुकम्मल है।
अर्तुरुल सरदार के पास कितना सामान है? अर्तुरुल सरदार के इस्तेमाल में सिर्फ एक तलवार और आमदोरफ्त के लिए घोड़ा है और बस। क्या ये सच है कि उनके पास सिर्फ उनका मुकद्दर है? बिल्कुल, उनके तीन बहादुर बेटे ही उनका सब कुछ है। अर्तुरुल साहब को माल की कोई हाजत नहीं, ना ही आसाइशों की परवाह है। दुनियावी ख्वाहिशात उनके लिए बेमानी है, सिर्फ रजाए इलाही है उनका मकसद। आपको लगता है कि हम यकीन कर लेंगे? हकीकत यही है ताज सरदार, इसमें कोई भी गलत बयानी नहीं है। अर्तुरुल सरदार जब कोनिया से वापस आएंगे तो इस बारे में उनसे बात कर लेंगे। हम जब तक महसूल के मामलात देख लेते हैं। कल हम जाकर महसूलात की वसूली करेंगे। अताज साहब, सिपाही और सरकारी अफसरान कल सुबह ये काम सर अंजाम देंगे। उम्मीद करती हूं कि आपके हिसाब में कोई गलती नहीं होगी। इल्बिल्गे खातून, अर्तुरुल सरदार के वापस आने तक इंतजार करना होगा आपको। लेकिन क्यों? क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि आप उनके इख्तियारात को नजरअंदाज कर रहे हैं, और अगर आपने ऐसा किया तो यह बात आपस में रंजिश का सबब बनेगी। फर्ज किसी का इंतजार नहीं करता, हमारी जो जिम्मेदारी है पूरी करेंगे और इसके लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। ढूंढ कर लाऊंगा तुम्हारा हार। क्या तुम सच कह रहे हो? ढूंढ लोगे? हाँ बिल्कुल। लेकिन जब मेरे बाबा को पता चलेगा तो वो नाराज हो जाएंगे। फिक्र मत करो तुम, मैं इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। शिकार के लिए अकेले ना जाना, अभी खतरा है शिकार गांव में। हुक्म है मेरा। क्या कह रहे हो तुम उस्मान? मैं शिकार की तैयारी कर रहा हूं। क्या कहा तुमने? मैं कल परिंदों के शिकार के लिए जाऊंगा भाई। बिल्कुल नहीं उस्मान, बाबा ने अकेले शिकार पे जाने से मना किया है। उनके हुक्म की खिलाफ वर्जी मत करना। हो जाओ। लईस, क्या खबर है? जमींदार तिकलिस का इंतजार कर रहा है, उसे तलाश करने के लिए सिपाही भेजे हैं। अगर उसे पता चल गया कि वो काई कबीले में है तो जमींदार तिकलिस को अर्तुरुल से मांग लेगा। अगर तिकलिस ने जमींदार को सब बता दिया
तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐसा हरगिज नहीं होगा। वो जल्द ही उस शहर से आज नहीं तो कल मर जाएगा, और फिर इन हालात में किसी का ध्यान हमारी तरफ नहीं जाएगा। उसकी बेटियां, अगर उन्हें कुछ इल्म हो गया, बाप के मरते ही वो वादी छोड़ देंगी और उन्हें रास्ते में मार देंगे हम। बेफिक्र हो जाए, हम उन पर नजर रखेंगे। वो जैसे ही वहां से रवाना होंगी, हम उन्हें मार डालेंगे। बहुत खूब, गौर से सुनो सब। अताज सरदार और दूसरे अफसरान कल दूसरे गांव जाएंगे, मगर वो वहां नहीं पहुंचना चाहिए। तो क्या? हां काराबेला, जंग शुरू होने वाली है। हमारे सिपाही बहुत बेचैन है जंग के लिए। आपने क्या सोचा है कमांडर ड्रेगोस? कुंदूस के गुस्से से सब वाकिफ हैं। इलबिल के खातून और उसके हिमायती इस लड़ाई का जिम्मेदार कुंदूस को ठहराएंगे, और ये जंग अर्तुरुल और रियासत के खिलाफ समझी जाएगी। अर्तुरुल और उसका कबीला ना चाहते हुए भी इस जंग का एक हिस्सा बन जाएगा। क्या हम काई वालों के सर इल्जाम नहीं डाल सकते? अर्तुरुल को रियासत के अंदर कुछ ताकतें पसंद नहीं करती। जब अताज सरदार और उसके अफसरान मारे जाएंगे, तो वो अर्तुरुल को जिम्मेदार ठहराकर उसके खिलाफ महाज खोल देंगे, यहां तक कि उमूर सरदार और उसकी बेटी भी यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ दिन बाद उमूर सरदार जब गैर तबई मौत मरेगा, तो सोचो क्या होगा। सोचो क्या होगा जब हम अपनी मौत तक लड़ेंगे, हम अपनी मौत तक लड़ेंगे। जिंदाबाद कमांडर ड्रेगोस। हम ये संदूक हलाकू खान तक पहुंचा देंगे। ठीक है कमांडर बोर्चिगन। तैयार है ना सब कुछ? जी जनाब, सब कुछ तैयार है। अगर तुमने मुझे नुकसान पहुंचाया, तो याद रखना तुम्हारा कबीला और तुम्हारा खानदान इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाएगा। और तुरुल, दवा पिलाई थी आपने? जी, वक्त पर दे दी थी। मैं कब से तुम्हारा जवाब सुनने के लिए बेकरार था। बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। बचकर भाग रहे थे हमसे, अब कहां जाओगे? सबके सामने जान से मार दूंगा। बस बहुत हो गया।